कहाँ हैं घर के सारे लोग? बुलाओ सबको मेरे सामने। हयात, कहाँ हो तुम? हयात, तुम्हारी माँ आ गई बेटा। हयात, कहाँ हो तुम? हयात, हशमत साहब जरा तहम्मुल से, क्या हो गया? बैठिए तो सही। क्यों बैठूं मैं? अपने पोती को लेने आया हूँ। हशमत साहब, हम बैठ के भी बात कर सकते हैं, बैठे तो चिल्ला क्यों रहे हैं? कहाँ है इसका शौहर? हाँ, क्यों आई है ये यहाँ? क्या किया इसने उसके साथ? ये सब अब क्यों पूछ रहे हो? जो बताया है वो काफी नहीं? दारिया, तुम मत बोलो, चुप हो जाओ इस वक्त। ये क्या बात हुई, क्यों चुप हो जाऊं मैं? कोई बड़ा गुल खिलाया होगा तभी तो शौहर ने घर से निकाल दिया। बस बंद करो दारिया, याद रखना अगर मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ। क्यों जुल्म होगा, कौन कर रहा है जुल्म? अरे अरे, बता देना इन्हें कि लड़के की तरफ से शादी झूठी थी, अब उससे जान छुड़ाना चाहता है ये। दादा, अम्मी, ये लड़की तो तमाशा लगाने की आदी है। दारिया मैम, क्या कहना चाहती हैं आप? निजात साहब, अपने बेगम को संभालें, नहीं तो मेरा दिमाग घूम जाएगा। आप यहाँ आए क्यों हैं दादा जान? तुम्हें लेने आया हूँ यहाँ, और क्यों आऊँगा? चलो मेरे साथ। हशमत साहब, आप इसे नहीं ले जा सकते। कौन रोकेगा मुझे भला? अरे, इसके शौहर का घर है ये। तो क्या करूँ, देख लिया मैंने उसको भी। मेरे साथ चलो। याद है क्या कहा था? तुम बहुत पछताओगी। नहीं पछताऊंगी दादा। तुम नहीं रह सकती। नहीं रह लूंगी मैं। परेशान हो जाओगी। नहीं होंगी परेशान मैं। अब देख लिया इसका नतीजा। दादा मैं अभी नहीं जा सकती। चलो। क्या हो रहा है यहाँ? देखो तो आ गए असल हीरो। अच्छा होता कि तुम यहाँ ना आते। दादा जान, आप मेरी बात तो सुने। रुकिए, मेरी बीवी को कहाँ ले जा रहे हैं? अशमत साहब, कुछ भी नहीं हुआ, आप समझ क्यों नहीं रहे? सबसे पहले अपने इस बेटे को समझाओ, फिर अपनी सफाई देना। मेरी बात सुनो। अरे 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 अरे, लड़के तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरी पोती को पकड़ने की? याद नहीं क्या मैंने तुमसे क्या क्या बातें कही थी? इतना सब कुछ समझाने के बाद तुमने मेरी पोती को घर से निकाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मुराद साहब, अगर तुम्हारी याददाश्त कमजोर है तो दोबारा याद दिला देता हूँ। बहुत हो गया, बस करें। आप मुझसे क्या चाहते हैं अशमत साहब? हर बार एक ही रट कि मैंने घर से निकाला। हाँ हाँ, तुमने घर से निकाला, वरना मेरी पोती इस घर में क्यों है, बताओ जरा। दादा जान, मुराद ने कुछ नहीं किया। तो फिर तुम यहाँ क्यों हो? क्योंकि दादी ने कहा था मुझसे। जी जी, इससे मैंने कहा था। इसकी वजह? क्योंकि दादी चाहती थी कि हम दोनों यहाँ रुकें, लेकिन मुराद को ये पसंद नहीं था, तो बस फिर हम दोनों में थोड़ी तू-तू मैं-मैं हो गई। और उसके बाद मैं यहाँ आ गई क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि मुराद भी यहाँ आ जाएगा। और देखे, मुराद भी आ गया है ना। मुराद, ऐसा ही है ना? हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ है हशमत साहब। तो फिर क्यों बेकार में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया? आई एम सो सॉरी। वो ये सब कुछ एक गलत फहमी की वजह से हुआ है। आपकी बेटी हमारी बेटी है, आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। तो फिर आप ठीक हैं? मेरा मतलब हयात। जी हयात, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। चलो एमने, घर चलते हैं। चलो, परेशान करके रख दिया है मुझे इस मामले ने तो। मेरा ब्लड प्रेशर भी हाई हो रहा है। ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है ना? हाँ, मैंने तुम्हें समझाया भी था। अब सब ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं हयात को लेके जा रहा हूँ। ओके बाय। अरे मुराद, अरे अभी मैंने हशमत साहब से बात की है, ये ना हो कि फिर कुछ हो जाए और वो हमें झूठा समझें। तो क्या फर्क पड़ता है, हमने उनसे झूठी तो बोला है ये सब कुछ। चलो हयात, लेट्स गो। नहीं जाऊंगी, यहीं रहूंगी मैं। पर्चियों पर लिखा तो था। उन फजूल पर्चियों की बात कर रही हो तुम? फजूल तुम्हारे लिए होंगी। हयात, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम चल रही हो मेरे साथ, कह दिया मैंने तुम्हें। रुक जाओ मुराद। मुराद बेटा, क्या कर रहे हो? देखो सब परेशान हो रहे हैं। आप सब लोग क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये हम लोगों का मसला है, हम खुद ही हल कर लेंगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सुन लो तुम। चलो हयात। छोड़ो मुझे। भाई देखें, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। दादी जान क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना? कुछ नहीं होगा आपको। जल्दी से पानी लाओ। दादी जान आके खोलें।